नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र विषय को हम 1838 में शुरुआत हुई थी, अगस्त कॉम्प्टे ने, फ्रांसीसी दार्शनिक ने, और तब से लेके आज तक एक लंबी यात्रा समाजशास्त्र ने तय की है। समाज में जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती गईं, समाज विकसित होता गया, समाज का विकास होता गया, तो समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयामों से देखने का, समझने का, विश्लेषित करने का प्रयास किया। और आज हालात ये हैं, विश्व के सभी विषयों में से सबसे ज्यादा सशक्त और सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है तो वो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र की एक शाखा है मीडिया का समाजशास्त्र। जी हाँ, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मीडिया का समाजशास्त्र। इसको थोड़ा बदला है मैंने, नए संदर्भ में लाया है मीडिया का समाजशास्त्र। सोशलॉजी आप मीडिया को मैंने कर दिया है नव मीडिया का समाजशास्त्र, सोशलॉजी आप न्यू मीडिया। आप सोच रहे होंगे न्यू मीडिया क्या है। समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, पद, प्रतिष्ठा, सभी चीज परिवर्तनशील है, समाज स्थिर नहीं है, समाज में बदलाव होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में मीडिया भी दो भागों में बढ़ गया है, 2000 पहले का मीडिया और 2000 के बाद का। तो 2000 के पहले का मीडिया जो है वो आपका पुराना मीडिया कहलाता है, ओल्ड मीडिया, और 2000 के बाद का मीडिया जो 21वीं सदी का मीडिया है वो न्यू मीडिया है। इस पर आज मैं आपसे एक चर्चा करूंगा। 1838 में जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, अगस्त कॉम्प्टे ने कहा था कि समाजशास्त्र समाज में व्यक्तियों के संबंध, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संरचना, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको परिष्कृत करके उनका विकास और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करने के लिए अनुभवजन, प्रयोगात्मक, विवेचनात्मक विश्लेषण करने वाला शास्त्र होगा। इसमें हम विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग, विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाज के जो फैक्ट हैं उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज में क्या बदलाव आया, इन सभी चीजों को देखते हैं। समाजशास्त्र समाज और व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है। किसी भी समाज की, विद्वानों ने कहा है, किसी भी समाज को अगर हम गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें उसमें सूचना के आदान प्रदान को, उसकी विषय वस्तु के, उसके सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण को देखना होगा, तभी हम उस समाज को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो भारतीय समाज में जितनी भी सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है इनको जानना पड़ेगा। जनसंचार एक माध्यम, एक साधन है, हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू से जनसंचार का संबंध है। आपके देखिए, घर में जनसंचार अलग होता है, ऑफिस जाते हैं ऑफिस का जनसंचार अलग होता है, कार्यालय का जनसंचार अलग है, कॉलेज का जनसंचार अलग है, मार्केट का जनसंचार अलग है, मनोरंजन गृह का जनसंचार अलग है, खेल के मैदान का जनसंचार अलग है, राजनीति का जनसंचार अलग है, आर्थिक क्रियाओं का जनसंचार अलग है, तकनीकी क्रियाओं का जनसंचार अलग है, सभी जगह जनसंचार अलग अलग होता है। तो ये हमको एक समाजशास्त्री हुई है J.S. मिल्स, इन्होंने 1956 में एक पुस्तक लिखी थी सोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें उन्होंने कहा था कि समाज में संचार सबसे बड़ी ताकत, उन्हें कहा था संचार, मीडिया जो है, संचार जो है समाज की सबसे बड़ी ताकत है और ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होता है। मीडिया समाज का गहराई से अध्ययन करता है, जनसंचार माध्यमों से संदेशों का प्रसारण होता है, मीडिया के माध्यम से, मीडिया का जो मूल उद्देश्य है पढ़ना, समझना और उसकी प्रतिक्रिया करना, ये मीडिया का मूल उद्देश्य है। मीडिया में जो भी आता है, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, न्यूज को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। सरकार बहुत खराब है, सरकार ने कोरोना काल में कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार की लापरवाही, जनता की लापरवाही, कहीं सरकार बहुत अच्छी, ये सारे प्रकार के विरोधाभास, सारी प्रतिक्रियाएं सब होते रहते हैं। ये किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। जनसाधारण को पता चलता है, फिर जनसाधारण की अभिव्यक्ति वहां होती है। व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसके लिए ताकि बुनियादी ज्ञान निर्धारित कर सकें, संचार सामग्री को डिजाइन करते हैं वो, और उससे लोगों से संवाद होता है, उसके माध्यम से एक परिदृश्य बनता है जो समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय बनता है, मीडिया का समाजशास्त्र। समाज और मीडिया में
द्वंद्वात्मक संबंध, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। समाज मीडिया से प्रभावित होता है और मीडिया समाज से प्रभावित, समाज मीडिया वही दिखाता है जो समाज में होता है, समाज में जो होता है, समाज का जो चलन है उसी को मीडिया अतिरेक में प्रस्तुत करता है। सामाजिक परिवर्तन का एक कारक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी ये काफी पहले शुरुआत हुई थी। एक समाजशास्त्री आगमन हुए, उन्होंने कहा था एक रेडियो के, रेडियो के आविष्कार से 150 प्रकार के परिवर्तन हुए। आप पूछिए, एक टेक्नोलॉजी जो थी रेडियो, उसने समाज में 150 प्रकार के परिवर्तन किए थे, ये आकबर ने शुरुआती दौर में अपने अध्ययन में कहा था। मीडिया का समाजशास्त्र समाज और संस्कृति के सूचना प्रवाह का विश्लेषण करता है। अब समान तौर पे अपन देखें मीडिया की शुरुआत, इसका इतिहास पे चर्चा करते हैं, फिर हम न्यू मीडिया पे आएंगे। जनजातीय समाज में आपने देखा होगा, जनजातीय समाज नृत्य संगीत में जीवन यापन करता, उसी से उनकी पहचान बनती है। बैगाओं के अलग नृत्य होते हैं, उनके संगीत अलग होता है, मारिया का अलग है, भील का अलग है, और वो उनके प्रवाह होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें उनके कलाकृतियां रहती है। मकानों में डिजाइन बनाते हैं, फेम बेलपत्री ये सारी चीजें, फूल पत्तों से संगीत करते हैं, मौज मस्ती में जीवन यापन करके उनकी पूरी दिनचर्या, उनकी संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान बनती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अब जब हम ग्रामीण समाज में आते हैं तो ग्रामीण समाज में गीत नाटक भजन मंडलियां होती हैं, रामलीला होती है, रासलीला होती है, शासकीय योजनाओं का आदान प्रदान होता है, लेखन होता है, दीवारों में चिट्ठी पत्री ये करते हैं। और ग्रामीण समाज में रेडियो भी था, आजकल टीवी भी आ गया, ये सूचना के संचार का। अब शहरी समाज में जब आते हैं तो शहरी समाज में समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और सिनेमा, सिनेमा भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। अब न्यू मीडिया पे जब हम आते हैं, ये सब आपके ओल्ड मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राम, ये सब ओल्ड मीडिया है, नाटक, गीत, संगीत, फिल्म, ओल्ड मीडिया। अब न्यू मीडिया जो है वो है इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित जनसंचार, मास मीडिया जिसका कम्युनिकेशन जो होता है, जो इसमें इंटरनेट हो और कंप्यूटर, ये दो डिवाइस के माध्यम से, दो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो किए जाते हैं वो न्यू मीडिया है। एक समाजशास्त्री हुए लेब मैनोविच, इन्होंने कहा था, इनकी किताब है लैंग्वेज ऑफ न्यू मीडिया, उसमें वो लिखते हैं कल तक हम सिनेमा को देखकर उससे आनंदित होते थे, उससे खुश होते थे, बहुत बढ़िया एक्टर ने काम किया है और बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसकी भाषा, उसकी अभिव्यक्ति को समझते थे, लेकिन उसी भाषा में हम जवाब नहीं दे सकते थे, हमारे लिए कठिन था। अमिताभ बच्चन की फिल्म कैसी है, ऋतिक रोशन की फिल्म कैसी है, ये हीरोइन की, कोई भी हीरोइन की फिल्म कैसी है, माधुरी दीक्षित की फिल्म कैसी, ये सब हम समझ सकते थे, बहुत अच्छी अदाकारी करी है, शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, अक्षय कुमार ने अच्छी, लेकिन उसके जवाब देने के लिए हम उसकी प्रतिकृति अनुकृति नहीं कर सकते। जैसे राइटर है, प्रेमचंद की कहानी पे दूसरे लोग कहानी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, पर फिल्मों का नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज, सिनेमा को देखकर समझ सकते थे लेकिन उसको निर्मित कर माना, वैसी सिनेमा बना पाना हमारे आपके बस में संभव नहीं था, कठिन था, संभव तो कहना गलत है लेकिन कठिन बहुत था। यहीं पर न्यू मीडिया जो है पुराने मीडिया से, ओल्ड मीडिया से अलग हो जाता है। न्यू मीडिया में संदेशों का निर्माण और संदेश प्राप्तकर्ता की भूलता है। ओल्ड मीडिया में क्या करता था, संदेश देने वाला एक होता था, अब इसमें हर व्यक्ति संदेश दे रहा है न्यू मीडिया में। जैसे आपने देखा होगा ना, ओल्ड मीडिया में आपके पास क्या था, दूरदर्शन एक था और आकाशवाणी, आकाशवाणी और दूरदर्शन ही देते थे। न्यू मीडिया में आप देखिए कम से कम 150 चैनल है, दूरदर्शन अकेला नहीं रहा, आकाशवाणी की जगह और भी कई चैनल बन गए, ये सारे चैनल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता अनेक होते थे पहले, अब आजकल न्यू मीडिया में क्या है, संदेश भेजने और पाने वाले सभी प्राप्त करते हैं, ये बहुआयामी हो गया है। इसमें न्यू मीडिया को कोलैबोरेटिव मास मीडिया कहते हैं, इसमें एक से अधिक और अनेक से अधिक संवाद करता है। अब जैसे मैं आपके सामने ये दे रहा हूं तो अब मेरे कई व्यूवर्स हो जाएंगे और उनके सारा मेरा संवाद हो गया, उसके माध्यम से फिर दूसरा भी बनाएगा, इस तरीके चलता है। नया मीडिया क्या है, 21वीं सदी का मीडिया, नहीं न्यू मीडिया 21वीं सदी का, इसे डिजिटल मीडिया कहते हैं, डिजिटल मोड में हो रहा है ये, डिजिटल मीडिया कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसका कहा डिजिटल डेमोक्रेसी तक का है मीडिया के, इसमें मीडिया के पहले वाला जो मीडिया था ओल्ड मीडिया, उसमें उत्पादन मीडिया का,
मतलब मीडिया का, जनसंचार के माध्यमों का, उत्पादन और प्रसारण का स्थान आम आदमी की पहुंच से दूर था। हम उसको देख सुन सकते थे लेकिन उस पे जैसा व्यक्त नहीं कर सकते थे, उसके साथ हम अपने विचार नहीं रख सकते थे। लेकिन न्यू मीडिया में क्या है, आज आदमी मात्र उपभोक्ता कंज्यूमर नहीं है, न्यू मीडिया में कंज्यूमर नहीं है बल्कि मीडिया का उत्पादन भी कर रहा है। अब कहेंगे आप प्रोडक्टर कैसे हो गए, प्रोड्यूसर कैसे हो गए उपभोग कंज्यूमर से। देखिये मैंने आपने देखा हो यूट्यूब में विषय पे बहुत से आपको चैनल मिलेंगे, हर विषय के संगीत, ढेरों संगीत मिलेगा यूट्यूब में, ब्लॉग में सब कुछ लिख रहे हैं, ब्लॉगर है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये क्या है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। पहले हमारे पास एक ही था, समाचार पत्र आता था, दैनिक भास्कर, नव भारत पत्रिका, उसमें जो आता था हम पढ़ लेते थे। लेकिन आज हम अपना समाचार पत्र वेब मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज बन रही हैं। पहले खाली बॉलीवुड बनाता था, हॉलीवुड बनाता था, लेकिन आज कई मूवीज बन रही हैं, छोटी छोटी मूवीज बन रही है, उत्पादनकर्ता हो गया है। दूसरी चीज, आजकल एक ही माध्यम के हम दास नहीं, हम गुलाम नहीं है कि हमको तो भैया दूरदर्शन ही देखना है, ऐसा नहीं है। हम ढेरों चैनल, जी है, स्टार है, सब देख सकते हैं, जिसको चाहे देखें। हमको म्यूजिक देखना है म्यूजिक देखें, हमको न्यूज सुनना है न्यूज देखें, खेल कर देखना है खेल देखें। ये पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। आज हम क्या है, नया मीडिया एक अंतर क्रियात्मक मीडिया, इंटर एक्शनल जो है, अंतर क्रियात्मक फंक्शनल है ये मीडिया है कि अलग अलग प्रकार से हम फंक्शन कर रहे हैं, सब अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग साधनों से हम फंक्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति आज फंक्शनल हो गया है। दूसरी चीज, इसमें अनेक तरफा हो गया, ये एक तरफा नहीं अनेक तरफा हो गया, न्यू मीडिया एक तरफा नहीं है बल्कि अनेक, पहले तो एक और दो लोग के बीच में होता था दो तरफा, अब अनेक तरफा हो गया है। दूसरी चीज, ये मीडिया का जनतंत्रीकरण है, वास्तव में देखा जाए कि जनतंत्रीकरण हुआ, मतलब जन जन तक मीडिया पहुंच गया, जन जन की आवाज हो रही। पहले आपको अपनी आवाज व्यक्त करने के लिए, अपनी आवाज देने के लिए कोई माध्यम नहीं था, आज आप अपनी माध्यम से ब्लॉग लिखते हैं, मीडिया करते हैं, जनता का मीडिया है, मीडिया हो गया है, डिजिटल डेमोक्रेसी हो। मैंने आपको वीडियो बना के दे रहा, आप भी बना सकते हैं, दूसरे लोग बनाते हैं। पहले हमको जो किताब आती थी या हमारे कॉलेज के लेक्चर जो सुनाते थे वो हम सुनते थे, आज हम भी कर रहे हैं अपने साथ, ये एक जनतंत्रीकरण हुआ। आज आपको ताज्जुब होगा, पिछले 10-15 साल में ही व्हाट्सएप के 56% यूजर भारत में, जो भारतीयों की तादाद है उसमें 56% लोग व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और 51% उपयोगकर्ता फेसबुक के हैं। और देखिए सारी जानकारी हमको मिल जाती है, हमको आजकल कई लोगों ने तो टीवी देखना बंद कर दिया, सिनेमा देखना बंद कर दिया, मोबाइल में देख लेते हैं, फेसबुक में आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है, सारी चीजें मिल जाती हैं। समाज में एक सार्थ, अब इसके साथ जो इतना हुआ है तो समाज में सार्थक बहस तो करी है इसने, न्यू मीडिया ने, लेकिन इसके दुष्परिणाम अभी तक तो हमने अच्छा ही उजला पक्ष देखा, अब इसका थोड़ा काला पक्ष भी देखने की कोशिश करते हैं। तो न्यू मीडिया ने क्या करा, समाज को एक सार्थक सोच देने में असमर्थ साबित हुआ। आप सोचेंगे दीक्षित जी अभी तक तो बोल रहे थे सर्वाधिक मीडिया का प्रभाव है, मीडिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक सार्थक सोच देने में असमर्थ हुआ है। आपने देखा होगा जब से न्यू मीडिया आया है दलित समाज पे बहुत बहस होने लगी, दलितों के अत्याचार की कहानी खूब बताई जाती है, अल्पसंख्यकों को बहुत चर्चा होती है। कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत मरकज की बात हुई है, हरिद्वार कुंभ की बात हुई है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, सामाजिक एक्टिविज्म का काम कर रहा है सोशल मीडिया। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था या कोरोना पे जितना प्रवासी मजदूरों को जितना हाईलाइट, ये सोशल एक्टिविज्म है। अभी किसान आंदोलन, सीए के विरोध में आंदोलन दिल्ली में, ये सब सोशल एक्टिविज्म करा किसने, न्यू मीडिया ने, जिसके घातक परिणाम भी है और सकारात्मक भी है, नकारात्मक दोनों है। अब आप देखिए पिछले बार अल्टीमेटली कोरोना आया तो सीए का शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ, अभी भी किसान आंदोलन भी उसी उस पर खत्म हुआ है। तो ये सोशल एक्टिविज्म करता है, किसी भी मुद्दे को सोशल मीडिया में दे दिया जाता है। और आप देखिए हम कहते हैं ना वायरल, वायरल यही है, सोशल एक्टिविज्म की बात होती है। क्योंकि इसमें समाचारों के पत्रकारिता में क्या होता है, जनसंचार में आपको सत्यापन करना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया ये ब्लॉग जो अलग अलग आए हैं
इसमें समाचारों के सत्यापन कोई नहीं देखता, आप उसको लाग लपेट करके बढ़िया कहीं की फोटो लाके फिर बाद में स्पष्टीकरण होता है, पहले 3 दिन तो इतना वायरल हो जाता है कि लोग उसको सच्चाई मान लेते, कहते हैं हाँ ये है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो आपने कट पेस्ट करके दिया है, पर तब तक मामला बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया जो है एक सार्थक सोच देने में सफल नहीं हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन पे अभी भी भ्रम फैला हुआ है, कई जगह है, कई वीडियोज आए हैं छोटे छोटे की। एक वीडियो आया था एक महिला का, ग्रामीण महिला का, वो बोल रही थी वैक्सीन लगाएंगे अगर मैं मर जाऊंगी, मेरे 4 लड़कियां हैं, सरकार मेरे को 50-50, 2 लाख रुपए दे दे जिससे उनकी शादी मेरे हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी। अब बताइए वैक्सीन सुरक्षा के लिए, वो कह रहे वैक्सीन से नुकसान होगा। ऐसे कई चीजें होती हैं, भ्रांतियां फैलती हैं। लास्ट ईयर कोरोना के समय बहुत आया कि फलों में थूक लगा रही है, कर रहे, कहां कहां के क्या क्या चीजें दिखाई गई, ये नकारात्मकता फैला रहा है। तो न्यू मीडिया में मैंने कहा कि न्यू मीडिया सार्थक सोच देने में असफल साबित हुआ, इसमें व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, न्यू मीडिया में व्यक्तिवादिता बढ़ रही है आज, क्योंकि तो बिना किसी गेटकीपिंग के सामग्री इसमें उपलब्ध हो रही है, गेटकीपर नहीं है, आप जो दे रहे हैं ना गेटकीपर, आपको कहीं किसी घर में जाना है तो गेटकीपर होता है ना, पूछता है फिर एंट्री के देते हैं ऑफिस वगैरह में, यहां हम जो दे रहे हैं, जो मैं दे रहा हूं, उसकी कोई गेटकीपिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें सकारात्मकता कम नकारात्मकता ज्यादा आ रही। दूसरा चीज हुआ है न्यू मीडिया का प्रभाव, जो सबसे दुष्प्रभाव फैमिली पे पड़ रहा है उसकी बात करूंगा मैं, क्योंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, ये मैंने सामान्य बात की है, अब आपको फैमिली के संदर्भ में बात करता हूं। तो न्यू मीडिया में क्या हुआ है कि आज हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या न्यू मीडिया से संचालित हो रही है, हम फेसबुक और व्हाट्सएप से संचालित हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रित हो गया है, आज मीडिया ने व्यक्ति को अपनी पकड़ में ले लिया है, आज टीवी व्यक्ति के लिए बन गया है, व्यक्ति से टीवी नहीं, ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया और न्यू मीडिया में ही है। आज मीडिया हमको बताता है कि आप ऑनलाइन किसको ऑर्डर करें, आपके मीडिया में आता रहता है 10% छूट, 20% एक के साथ, हम जो चीज नहीं भी है वो भी मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, खाने के लिए घर में हम सामग्री नहीं बना रहे, हम डिपेंड करते हैं जोमेटो और टोमेटो और स्विगी पे, ये हमको दे रहे हैं। दूसरी चीज आपने हर घर में देखा होगा, हर घर के हर मेंबर अपने मोबाइल फोन में लैपटॉप में इंगेज रहते हैं, पारिवारिक संबंधों में दूरी आ गई, महिलाएं खाना बनाती हैं तो उसमें देखती हैं, लड़कियां अपनी मम्मी से पूछती नहीं है रेसिपी की, वो खुद गूगल की रेसिपी ज्यादा भरोसा करती है, मम्मी के बताई रेसिपी पे नहीं, वो बनाती रहती है, इन्वेंशन करती है, नई नई चीजें बनाती है। दूसरी चीज महिलाएं भी गेम खेलती रहती हैं, कैंडी क्रश खेल रही हैं, लूडो खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं, ये सब खेल रही महिलाएं खाली दिन, वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ रही। कई घरों में तो मैंने ये तक देखा है, मेरे घर में भी होता है कि पेरेंट्स अभिभावक बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चे भतीजे को हमने मोबाइल पकड़ा दिया, लो हमने अपनी जिम्मेदारी मोबाइल को दे दी, मोबाइल मैं खाली आपके लिए वीडियो देने इसमें और लोगों से फोन पे लगा रहता हूं, घर में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये व्यक्तिवादिता, व्यक्ति इस पे जुड़ता जा रहा, ये न्यू मीडिया का एक खतरनाक एंगल है। आज मैं अपने हिसाब से न्यूज बनाता, अपने हिसाब से किसी चीज का महिमा मंडन करना, किसी चीज का दुष्प्रचार करना, ये सारा न्यू मीडिया का खेल हो गया। व्यक्ति पे इतना ज्यादा न्यू मीडिया हावी हो गया है कि व्यक्ति उसका गुलाम हो गया है न्यू मीडिया। हम सुबेरे उठते ही सबसे पहले देखते हैं कौन सी व्हाट्सएप में क्या क्या खबरें आई हैं, सारे ग्रुप हम खोलते हैं, ग्रुप में क्या कहा गया, और रात को सोने के पहले हम चेक करते हैं कि मेरे वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने लाइक नहीं किया। इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या होगी कि हम जब जाते हैं किसी के यहां, जब डेथ हो जाती कुछ आती तो उसकी भी वीडियो बना देते, शमशान घाट में वहां भी देखते हैं और ये वीडियो। तो ये न्यू मीडिया का अर्थ है, न्यू मीडिया जो नया मीडिया की बात कर रहा हूं, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं, ब्लॉग्स हैं, आपके संप्रेषण के लिए आपकी जो अलग अलग चीजों में बनाए गए जैसे यूट्यूब वगैरह। अब देखिए इसमें 5-6 चीज न्यू मीडिया की मैं बात बताऊंगा। एक सहयोग प्रोजेक्ट जो विकिपीडिया है, गूगल और विकिपीडिया, ये सहयोग प्रोजेक्ट, ये कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट की वाली बात करता है। एक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग्स,
ट्विटर है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इसमें आप पढ़ते हैं, मैसेंजर है। एक होता है कंटेंट समुदाय, कंटेंट कम्युनिटी, यूट्यूब, तो मेरी यूट्यूब की कंटेंट कम्युनिटी बन गई। एक है सोशल नेटवर्किंग जो आपके व्हाट्सएप और फेसबुक से है। एक है वर्चुअल गेम्स, नई नई एप्लीकेशन आती जा रही हैं। आज पहले शुरुआत हुई थी फेसबुक था, फिर व्हाट्सएप हुआ, फिर मैसेंजर आया, फिर ट्विटर आया, फिर टेलीग्राम आया। इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि हमको समझ में नहीं आता। लास्ट ईयर हमने सारी पढ़ाई जितना था ऑनलाइन मोड में किया, तो जूम ऐप था, गूगल मीट था, अब जी मीट है, वेबएक्स है, कई आ गए हैं आपके पास। आपको समझ में नहीं आता किसको रखें, किसको डाउनलोड करेंगे। अगला प्रोग्राम आपका गूगल मीट में है, तो फिर जूम ऐप पे होगा, फिर वेबएक्स पे होगा। तो सारे एप्लीकेशन हमको लेना है। ये जो है वर्चुअल गेम्स पढ़ते जा रहे हैं एप्लीकेशन। हमने लास्ट ईयर पूरी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन मोड में हुई, हमारे सेमिनार वेबिनार में बदल गए। तो सोशल मीडिया में जो नया बदलाव आया, ये 21वीं सदी का जो है, ये न्यू मीडिया है। तो न्यू मीडिया का समाज साथ क्या कर रहा है, सारे समाज का व्यक्तिगत सामाजिक अन्वेषण करने के साथ साथ न्यू मीडिया में व्यक्तिवादिता बढ़ गई है, सामूहिकता घट गई है। हम केंद्रित हो गए हैं मीडिया पे, या हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम संबंध कर रहे हैं। आज हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जूम ऐप पे सारी बात करते हैं, पूरे इंडिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नए नए इश्यूज पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कल हमने चर्चा कही वर्ल्ड फैमिली डेज पे, फैमिली के आयाम, फैमिली कैसी होनी चाहिए, फैमिली क्या, फैमिली में क्या बदलाव है, हमने वो कर लिया। पहले हमको ये सब करना था, आजकल न्यू मीडिया के माध्यम से हो रहा है और ये बहुत तरफा है, सब तरफ है। तो ये आज आपके साथ मैंने बात की न्यू मीडिया का समाधान। सोचला जी आप न्यू मीडिया, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल जो है सोचला जी विद्रुप दीक्षित को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें आप कमेंट करिए कि आपको और कौन कौन से विषयों पे चर्चा करनी है, मैं आपको उन विषयों के साथ दूंगा।